एक्ट्रेस अर्चना गौतम रायपुर जिला कोर्ट में पेश, संदीप सिंह के खिलाफ मेरठ में दर्ज कराई एफआईआर। प्रियंका गांधी के पीए हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगाया। रायपुर में कांग्रेस महाअधिवेशन के दौरान धमकी दी थी। मामले में 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और एक्ट्रेस अर्चना गौतम का आरोप है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया है। रायपुर में कांग्रेस महाअधिवेशन के दौरान धमकी दी थी एक्ट्रेस ने, आरोप लगाया। मामले में 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। एक्ट्रेस अर्चना गौतम रायपुर जिला कोर्ट में पेश हुई, संदीप सिंह के खिलाफ मेरठ में दर्ज कराई एफआईआर। प्रियंका गांधी के पीए हैं संदीप सिंह। संदीप सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने। जाति सूचक शब्द प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। और एक्ट्रेस अर्चना गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अर्चना, क्या पूरा ये मामला था, किस तरह से हुआ था, जरा बताएं। जी, ये ना स्टार्टिंग जो हुई थी ये फरवरी में हुई थी जी। तो ये फरवरी में महाअधिवेशन चल रहा था अपना रायपुर में। तो मैं बिग बॉस के बाद गई थी क्योंकि तो मैंने मिलने के लिए बोला था। तो संदीप जी ने बोला कि तुम इधर आ जाओ, रायपुर में आ जाओ, यहीं पे ही हम मिलवा देंगे। तो मैं जब गई थी उन्होंने ही टिकट वगैरह किया था। तो वहां से फिर एक दिन में मेरे को कार्ड नहीं प्रोवाइड किया गया। तो मैंने बोला, आपने बोला था मिलवाऊंगा, तो फिर उसके बाद में कहने लगे नहीं अभी वो बिजी है, बाद में मिलवाता हूँ। तो मतलब हमेशा ऐसे ही टालते रहते थे ये। तो मैं किसी बड़े नेता का बात करके मैं पीछे के रास्ते से उनसे मिली, प्रियंका गांधी जी से मिली। तो मैंने उनको बताया कि दीदी मैं आपसे एक साल से टाइम मांग रही हूँ, बस मुझे कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है, ये संदीप जी मुझे कोई टाइम नहीं देते। तो दीदी ने बोला कि अर्चना को अगले हफ्ते चाय पे बुलाओ। तो मैंने कहा, मैं बहुत खुश हो गई इनफैक्ट। तो मैंने बोला, अच्छा ये तो हुआ ही अर्चना, लेकिन आपके साथ धीरज गुर्जर के खिलाफ भी आपने कोई एफआईआर दर्ज की, जरा उसके बारे में भी बताएं। उसके बारे में बताऊंगी, पहले ये वाला तो ये एक्चुअली दो मैटर है। तो एक तो रायपुर का अलग है और दिल्ली का जो मारपीट हुई है मेरे साथ वो अलग है जी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो इन लोगों, इसने मुझे बहुत बदतमीजी तरीके से बात की जी। मुझे मतलब अनाप शनाप बोला। ये तो मैंने, मेरा हुआ रायपुर का, जिसके लिए मैं कल रायपुर कोर्ट में भी गई थी। वहां पे मैंने ये जारी रखने के लिए, ये जो केस था उसको जारी रखने के लिए मैंने बोल दिया। इसके अलावा हम आते 29 को, यानी 29 अक्टूबर को जो मेरे साथ चीजें हुई थी। तो ये उसका 29 अक्टूबर नहीं, सॉरी, ये अपना सितंबर को जी। तो जो मेरे साथ ये सब चीजें हुई थी, तो ये उसका है। इन्होंने कार्यालय के बाहर महिलाओं को भेजा और महिलाओं की आड़ में जो इनके इनके जो कांग्रेसी जो नेता थे, जो बोलते हैं कि कार्यकर्ता है, वो भी चूटी काट रहे हैं। और जो आपने वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पे जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जी। उसमें आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि साइड पे ले जाके मार, मेरे पापा को गिराया गया, मेरे पापा को धक्का मारा, लाठी मारी, मेरा ड्राइवर का सर फोड़ दिया, उसको खून निकलने लगा। तो बहुत सारी चीजें। तो ये धीरज गुर्जर को मैंने फोन किया था 28 तारीख को कि मैं 12 बजे 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी। और ये धीरज गुर्जर संदीप सिंह का ही बंदा है जी। उनका पीए है जी। उसने बता दिया संदीप सिंह को, और संदीप सिंह और धीरज गुर्जर ने रातों रात बस मंगवाई यूपी से और मेरे पे हमला करवा दिया जी। अच्छा, क्योंकि इसका इसकी खबर और किसी को थी ही नहीं। तो मैंने धीरज गुर्जर को ही बताया था ये बात, और किसी को मैंने बताई ही नहीं थी। अच्छा अर्चना, अब इस पूरे मामले में क्या रहा है, सुनवाई कोर्ट ने की, क्या रहा उसमें? देखिए, मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, मैंने एफआईआर करवाई है संदीप सिंह और धीरज गुर्जर के खिलाफ, क्योंकि ये दो मेन आरोपी थे उस टाइम पे। और उसके अलावा जो जिन जिन ने मुझे मारा है, औरतें, उसमें बहुत सारी महिलाएं थी, उनका सबका नाम मैं दे चुकी हूँ।
ठीक है, तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मैं भी शायद आज कल में मेरी FIR भी हो जाएगी। जी ठीक है, ये दूसरा मामला जो धीरज गुर्जर वाला है उसमें भी आप FIR अब करवाएंगी? करवा दी है मैंने, जी, करवा दी है जी, बट वो अभी रिसीविंग मिली है मुझे। हाँ, तो अभी वो लोग, ये जो आपने FIR करवाई है, ये जो धीरज गुर्जर जो है उनके खिलाफ जो FIR करवाई है उसमें क्या आपने केस करवाया है, क्या आरोप लगाए हैं? कि इन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई थी मुझे मरवाने के लिए, मतलब आप वीडियो देख रहे होंगे, रोड पे मैं मतलब मदद मांग रही हूँ, एक लड़की मदद मांग रही है, बट किसी ने भी मदद नहीं की, और ऊपर से औरतें मुझे मार रही हैं, आदमी मेरे चूटी काट रहे हैं, मेरे ड्राइवर को मार रहे हैं, तो ये प्लानिंग इन लोगों ने की है, रातों रात बस मंगवाई है UPTC से, और प्लानिंग के तहत इन लोगों ने मेरे पे हमला करवाया है। जी ठीक है अर्चना, अब आगे क्योंकि डेट इसको इस मामले को लेकर आएगी, लेकिन क्योंकि आपने ये FIR दर्ज करवाई, क्या कांग्रेस से किसी आला कमान ने या किसी ने इसको लेकर कोई बातचीत आपने करने की कोशिश की? अरे आपको पता है मैं इतनी सदमे में थी, क्योंकि उस दिन मैं कंप्लेन लिखाने गई थी, तो वहाँ पे पुलिस वालों ने भी बोला कि आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा, और मैं इतनी डर गई थी कि पता नहीं शायद मेरी जान को खतरा ना हो, मैं इतनी सदमे में थी कि मैंने 13 दिन वेट किया कि चलो आज मुझे कॉल आएगा, अब तो मुझे कॉल आएगा कांग्रेस की तरफ से, बड़े बड़े दिग्गज नेता जो बनते हैं अपने आप को, जो धरना देते हैं महिलाओं के लिए, उनके कार्यालय के बाहर ये सब घटना हुई है, और उन तक को पता ही नहीं है क्या? तो मैंने इतना वेट किया, तब जब मेरा वेट का पेशेंस मेरा कंप्लीट हो गया, तब मैंने कहा नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत हो गया, अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैं गई, मैंने सिक्योरिटी भी मांगी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर दिया, मैंने होम मिनिस्टर को भी लेटर दिया, मैंने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी लेटर दिया, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को लेटर दिया सिक्योरिटी के लिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करी गई, बिना सिक्योरिटी के मैं FIR कराने गई अपने, कि कल को अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार संदीप सिंह और गवर्नमेंट होगी। और अर्चना आपने जो रायपुर कोर्ट में पेश हुई उस दौरान क्या कुछ रहा कोर्ट के द्वारा, हालांकि आगे की डेट दे दी गई है, लेकिन क्या कुछ रहा कोर्ट में? कोर्ट ने अभी जो मेरा जो बयान लिए हैं वो ये लिए हैं कि आप इस मुकदमे को जारी रखना चाहते हो, तो मैंने बोला कि हाँ मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस थी वो उन्होंने बोला था कि बंद करने के लिए बोला था, बट मैं एंड मौके पे मौजूद हो गई कोर्ट में और मैंने इसको कंटिन्यू करने के लिए आपको एक डेट दे दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना हमसे जुड़ने के लिए, सच बेधड़क से बातचीत करने के लिए। दो मामले अर्चना गौतम ने बताए हैं, एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने बताया कि ऐसे जो दो मामले हैं उन दो मामलों में अलग अलग FIR दर्ज करवाई गई है, एक दिल्ली और एक मेरठ, और कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई गई है। अर्चना गौतम ने ये FIR दर्ज करवाई है और उनका कहना है कि जब दिल्ली में जो वीडियो भी वायरल हुआ था और किस तरह से धक्का मुक्की हुई, कैसे बस में लोग लेकर आए और उसके बाद उनके साथ उनको जान से मारने की जो कोशिश है वो की गई थी, और इसी मसले को लेकर उन्होंने FIR दर्ज भी कराई है। तो ये दो FIR दर्ज हुई हैं जिनमें एक संदीप सिंह के खिलाफ है और एक धीरज गुर्जर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह हैं और ये उस वक्त की बात उन्होंने बताई जब वो रायपुर अधिवेशन में पहुंची थी, मुलाकात हालांकि उनकी प्रियंका गांधी से हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ। और हमारे साथ धीरज गुर्जर जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता। धीरज जी, अभी अर्चना गौतम से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि FIR दर्ज करवाई गई है आपके खिलाफ। नहीं, मेरे खिलाफ नहीं है, वो ये पुराना मामला है, 6 महीना पुराना, जब छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर कांग्रेस का महाधिवेशन था, उस समय पर जो मंच है उस मंच के ऊपर वही लोग आ सकते हैं जिन लोगों को मंच पर क्राइटेरिया के अंदर निर्धारित करके उनको पास दिया गया था। उस समय हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पास जारी हुए थे उसमें अर्चना गौतम का पास नहीं था, मंच पे वही लोग आते हैं जो सेक्रेटरी IGC होते हैं, प्रदेश होते हैं, तब मंच पे बिना इजाजत के अर्चना गौतम जी भी आ गई थी जी। तो जब मैडम और राहुल जी जा रहे थे तो उन्होंने उनके साथ 2 बार मिलाने के बाद भी तीसरी बार जब मिलने का प्रयास किया तो संदीप सिंह जी ने उनको कहा कि आप यहाँ पर एंटाइटल मत हो, आप यहाँ पर मत आओ। तो इस बात से नाराज होकर अर्चना गौतम ने संदीप सिंह जी पर FIR दर्ज करवा दी थी उत्तर प्रदेश में आके।
जी, तो उस एफआईआर के ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे करते हुए उनकी गिरफ्तारी पे और ये कहते हुए कि भाई ये मामला छत्तीसगढ़ रायपुर का है तो यहाँ पर सब जुडिशियल इसका है, वहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ बनता है। ये तो एक अलग मामला हो गया। अभी अर्चना जी ये बता रही थी कि जो दूसरा मामला है वो दिल्ली में उन्होंने दर्ज करवाया और वो आपके खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली में भी उनका ये कहना है कि जान से मारने की धमकी दी गई, आप बस भर के लेकर आए यूपी से लोग और वहाँ पर धक्का मुक्की उनके ड्राइवर से, उनके फादर के साथ में, उनके साथ खुद में की गई। कोई हुई है ऐसा, कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है ना मेरी जानकारी में। सुखी मामला में तो एक जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली गए ही नहीं हूँ, राजस्थान में ही हूँ जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सच बेधड़क के साथ जुड़ने के लिए।